कुंडली में जहाँ शुभ योग होते हैं तो वहीं कुछ अशुभ योग भी होते हैं। उन्हीं में से एक है ग्रहण योग। अगर हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में इतनी सावधानी रखते हैं तो क्या अगर किसी की कुंडली में ग्रहण योग है तो उसकी खुशियों पर भी ग्रहण लग सकता है। क्या होता है अगर किसी की कुंडली में ये दोनों योग हो तो कौन से उपाय हमारे जीवन में इस ग्रहण का साया पड़ने नहीं देंगे, ये सब बताएंगे आज हमें डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आखिरकार कैसे बनता है ग्रहण योग, क्या इसमें भी सूर्य और चंद्रमा ग्रह अपनी भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, ग्रहण का जिक्र आता है सबसे पहले दिमाग में चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण आता है, तो ये जो ग्रहण योग होता है ये हमारी कुंडली में कैसे बनता है, क्या इन्हीं दोनों ग्रहों के प्रभाव से बनता है? श्रुति, ग्रहण योग एक हॉरोस्कोप में उस कंडीशन में बनता है जब एक हॉरोस्कोप में सूर्य या चंद्रमा राहु और केतु के साथ आ जाएं। राहु और केतु क्रूर ग्रह हैं, क्रूर प्लैनेट्स हैं और डिसरप्टिव प्लैनेट्स हैं। ये आपकी किस्मत को डाउन करते हैं या आपके लक क्वोशन को जिंदगी में गिराते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक हॉरोस्कोप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये डिसाइड करते हैं कि एक हॉरोस्कोप जीवन में कितनी आगे तक जाएगा। चंद्रमा आपकी राशि का फैसला करते हैं और सूर्य आपकी राज प्रतिष्ठा का, यानी नेम फेम एंड ग्लोरी का फैसला करते हैं लाइफ में। तो अगर सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु की संगत में आ जाएं, उनके कंजंक्शन में आ जाएं, उनके साथ बैठे हों, तो सूर्य और चंद्रमा का बल गिर जाता है। और सूर्य और चंद्रमा का बल गिर जाने से एक किस्मत का, एक हॉरोस्कोप का पोटेंशियल, उसका बल गिरता है और हर काम जिंदगी में बहुत डिले, बहुत ऑब्स्टेकल्स के साथ होता है और एक कुंडली जो होती है उसकी किस्मत डाउन हो जाती है। तो ग्रहण योग एक बहुत इंपॉर्टेंट योग है और सभी को ये पता होना चाहिए कि उनके हॉरोस्कोप में ग्रहण योग है या नहीं, और अगर ग्रहण योग है तो हम फिर उसका निवारण किस प्रकार से करें। ग्रहण योग सबसे ज्यादा व्यक्ति के जीवन पर कब और कहां असर डालता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, वो कौन सी पर्टिकुलर एज होती है, उम्र होती है या टाइम स्पैन होता है जब ये अपना असर सबसे ज्यादा डालता है? श्रुति, ग्रहण योग आपके जीवन में सबसे ज्यादा असर तब डालता है जो आपके प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं। प्रोडक्टिव ईयर्स आपके होते हैं 18 साल से लेकर 45 ईयर्स तक। इस एज में आपकी हायर एजुकेशन भी आती है, आपकी जॉब भी आती है, आपकी मैरिज, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों आती हैं, आपके बच्चे आते हैं। तो ये ग्रहण योग सबसे ज्यादा इस उम्र में असर करता है जिनको हम जीवन के प्रोडक्टिव ईयर्स कहते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आती हैं, सबसे ज्यादा परेशानियां आती हैं, क्योंकि एक इंसान को जिंदगी में उठना होता है तो यही साल होते हैं जब वो उठ सकता है। तो ग्रहण योग आपके सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स को ले लेता है, उनका नाश करता है, और इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है सबके लिए ये पता करना कि एक कुंडली में ग्रहण योग है या नहीं है। चंद्रमा के साथ राहु केतु हो या सूर्य के साथ राहु केतु, क्या ये दोनों ग्रह जो हैं ये ग्रहण योग में अलग अलग फल देते हैं, ये सब जानेंगे डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका, अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए। नमस्कार दीपिका जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1970 और टाइम है सुबह के 5:15 बजे और डेट ऑफ बर्थ प्लेस है आगरा। एक्चुअली उनका जॉब नहीं है लास्ट 5-6 मंथ से और फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, काफी प्रॉब्लम्स हैं। जी, देखते हैं कि आपके हस्बैंड की कुंडली क्या कुछ कहती है, क्यों दिक्कत आ रही है और कैसे जॉब में सब कुछ सही हो जाए, क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। वंदना जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके हस्बैंड का हॉरोस्कोप मेरे सामने है। देखिए, आपके हस्बैंड का लगन मिथुन लगन है और लगन में ही सूर्य और मंगल आ गए हैं, जो जनरली ये डिपिक्ट करते हैं कि लाइफ जो है ऑब्स्टेकल्स और स्ट्रगल भरी होगी। साथ ही साथ चंद्रमा अष्टम में आ गए हैं, राहु नवम में। ये जो योग होते हैं ये जिंदगी में सक्सेस के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। बहरहाल, आप हर मंगलवार को आप हनुमान मंदिर आप जरूर जाएं और सुंदरकांड का पाठ करें, सूर्य को अर्घ आप डेली देना शुरू करें और सोमवार के व्रत आप शुरू करें। वंदना जी, आप ये उपाय कीजिए, 6 से 8 महीने में आपको फर्क जरूर पड़ेगा। और अगर आपके पास वक्त हो और रिसोर्सेज हो तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपने हस्बैंड की कुंडली अवश्य दिखाएं। चंद्रमा के साथ राहु या केतु होने पर या फिर सूर्य के साथ राहु या केतु के होने पर ग्रहण योग का असर भी अलग अलग होगा, यानी कि सूर्य के साथ है तो अलग प्रभाव होगा और चंद्रमा के साथ है तो अलग प्रभाव होगा। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, क्या वाकई ऐसा है कि सूर्य के साथ अलग इम्पैक्ट होगा, चंद्रमा के साथ अलग इम्पैक्ट होगा?
जी श्रुति, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो अलग अलग चीजों का कारक ग्रह है। सूर्य राज प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है, ये आपके पिता का कारक ग्रह है, ये पॉलिटिकल पावर गवर्नमेंट का कारक ग्रह है। सूर्य जगत के पिता माने जाते हैं, आत्मा के कारक माने जाते हैं, सूर्य ज्ञान के कारक ग्रह हैं। जब भी सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन एक हॉरोस्कोप में होता है तो कहीं ना कहीं आपके अपने फादर के साथ डिफरेंसेस रहते हैं लाइफ में, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पे विशेष असर पड़ता है। पिता की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती, पिता का प्रोग्रेस लाइफ में ठीक नहीं होता, आप अपने पिता के लिए भारी होते हैं। साथ ही साथ में गवर्नमेंट के साथ आपको बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती लाइफ में। अगर जॉब मिल भी जाती है कि दूसरे योगों से, तो जॉब में प्रमोशन आपको नहीं मिलते। यू कैन नेवर रीच द हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन द कंट्री। साथ ही साथ में पॉलिटिक्स में आपको आपको आपकी जगह नहीं मिलती, पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलती, इलेक्शन में जीत नहीं होती, कोर्ट कचहरी में आपकी हार होती है। तो कहीं ना कहीं सूर्य चंद्र कहीं ना कहीं सूर्य राहु का जो योग होता है एक हॉरोस्कोप में, वो इन एरियाज को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ में सूर्य राहु का योग हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत देता है, नेत्र की आई प्रॉब्लम्स बहुत देता है और बोन प्रॉब्लम्स बहुत देता है। जो चंद्रमा और राहु का योग होता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी मानसिकता का माइंड का कारक ग्रह है, मनी का कारक ग्रह है और आपकी माता मदर का कारक ग्रह है, तो इन तीनों एरियाज में बहुत अफ्लिक्शन होती है। चंद्र राहु योग आपको मानसिक प्रॉब्लम्स बहुत देता है, साइकोलॉजिकल एफ्लिक्शंस। कहीं ना कहीं एक आप बहुत ही साइकोलॉजिकली एफ्लिक्टेड इंसान होते हैं, या सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, लाइफ में सस्पिशंस, मूड डिसऑर्डर्स, टेम्परामेंटल आप बहुत होते हैं, चिड़चिड़े बहुत होते हैं, मूडी बहुत होते हैं। साथ ही साथ में आपकी माँ का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, माँ के साथ रिश्ते आपके कभी भी ठीक नहीं रहते। साथ ही साथ जो धन होता है, मनी अर्जन में आपको लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, आप या तो पैसा इकट्ठा ही नहीं होगा या पैसा आएगा भी तो कभी जुड़ेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं पे जो सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु और केतु का बैठना, जिसको हम ग्रहण योग कहते हैं, कहीं कई एरियाज में आपकी लाइफ में अफेक्ट करता है। और अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसे योग है तो जल्दी से जल्दी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के इनका निवारण कराइए। ग्रहण दोष कैसे बनता है, ग्रहण दोष का असर कब सबसे ज्यादा होता है और कब ये बुरा प्रभाव नहीं डालता है, ये सब हमें बताया डॉक्टर दीपिका शर्मा जी ने। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि कुंडली में हर भाव जीवन के किसी ना किसी हिस्से को दिखाता है, तो क्या कुंडली में अलग अलग भावों में ये योग बने तो अलग अलग फल देने लगता है? आइए जानते हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, अगर हम अलग अलग भावों की बात करें तो किस भाव में होकर किस तरह का फल देता है, ये आप बताइए। श्रुति, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा कि ग्रहण योग अगर अलग अलग हाउसेज में बनता है, भावों में बनता है, तो उसका अलग अलग प्रभाव होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि कुछ घर जो होते हैं वो धन के होते हैं, कुछ घर कर्म के होते हैं, कुछ मृत्यु के होते हैं, कुछ घर अपने निज परिवार के होते हैं, निज दाम्पत्य सुख के, विवाह के, मांगल्य स्थान के होते हैं एक हॉरोस्कोप में। परंतु मैं ये दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ग्रहण योग जिस घर में बनता है उस घर का नाश हो जाता है। उस घर का नाश इसलिए होता है, दो कारणों से होता है, क्योंकि राहु और केतु उस घर के एक्सिस में आ जाते हैं, और दूसरी बात यह होती है कुंडली के सबसे अहम ग्रह सूर्य और चंद्रमा उस घर में बैठकर राहु और केतु की संगत में आते हैं, तो उस घर की सिग्निफिकेशन को वो नाश करते हैं। और कहीं ना कहीं पे ग्रहण योग आप किसी भी एक हॉरोस्कोप के किसी भी घर में डाल दें तो कहीं ना कहीं उस घर का व्यय अवश्य ही होगा। आइए अब डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से जानते हैं कि यदि हमारी कुंडली में ग्रहण योग बनता है तो ऐसे में कौन कौन सी खास बातें हैं, कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, और क्या कुछ खास सरल उपाय हैं जो हमें जरूर करने चाहिए? डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, आसान से उपाय बताइए और सावधानियां भी हम जानना चाहेंगे। क्योंकि अगर आपके हॉरोस्कोप में सूर्य ग्रहण का योग बनता है तो आप सूर्य को अर्घ आप डेली दें, सूर्य को अर्घ तांबे के कलश में दें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, साथ ही साथ हरिवंश पुराण का पाठ आप अवश्य करें। रविवार के दिन आप सूर्य की वस्तुओं को दान करें, सूर्य की वस्तुओं में गेहूं है, गुड़ है, लाल रंग का वस्त्र है, लाल चंदन है। साथ ही साथ में आप 43 दिन आप बहते पानी में एक तांबे का सिक्का जरूर बहाएं। साथ ही साथ में आप ये कोशिश कीजिए हर रविवार को आप नमक रहित भोजन कीजिएगा। खाने में आप चावल और मीठे दही के साथ आप अपना भोजन कीजिएगा।
साथ ही साथ अपने पिता के साथ, माता पिता के साथ अपने संबंध अवश्य बनाए रखिएगा, उनकी बहुत सेवा कीजिएगा। चंद्र ग्रहण योग अगर आपके हॉरोस्कोप में है तो सोमवार के व्रत आप अवश्य करें। हर सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर जाएं, कच्ची लस्सी गंगा जल वहाँ चढ़ाएं, शिव स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार को चंद्रमा की चीजों का आप दान करें। चंद्रमा की चीजों में सफेद चीजें होती हैं, दही दूध, सफेद रंग के चावल, साथ ही साथ में सफेद वस्त्र। चंद्रमा का दान आपको एक वृद्ध स्त्री को देना है और संध्या के समय देना है। साथ ही साथ में आप चांदी की चेन आप अपने गले में धारण करें, शुक्ल पक्ष के सोमवार को करें, उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा करें। साथ ही साथ में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको भगवान शंकर की सेवा सदा करनी है। जिन बच्चों के हॉरोस्कोप में ग्रहण योग होता है, मैं उनसे विशेष रूप से प्रार्थना ये करूंगी कि आप अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। पिता सूर्य के कारक ग्रह है और चंद्रमा जो है वो माता के लिए होती हैं। तो अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते रहेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनसे सभ्य सुशील तरीके से बात करेंगे, साथ ही साथ में आप तामसिक चीजों से दूर रहेंगे, अल्कोहल, नॉन वेज, स्मोकिंग, गैम्बलिंग और कर्मठ रहेंगे, अपना एटीट्यूड ठीक रखेंगे, मानसिकता ठीक रखेंगे, सबके साथ बहुत प्यार से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्म द्वारा आप अपने ग्रहण योग को आप समाप्त करेंगे। तो दर्शकों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ग्रहण योग अगर हॉरोस्कोप में है तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, जो मैंने उपाय बताए हैं वो कीजिए, साथ ही साथ में माता पिता की सेवा और समाज के प्रति सेवा का भाव रखें, तो परमात्मा के दरबार से आपको विशेष आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से बात करना चाहते हैं तो इस पते या फिर ईमेल के माध्यम से इन्हें संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा, 5/11 ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली 110008, फोन नंबर 8826614490 और 8826614481।